वनमंडल स्तरीय कार्यशाला संपन्न, वन कर्मियों को जंगल में भ्रमण करवा कर विस्तार से समझाया। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माता हवसिति के दरबार में शारदीय नवरात्रि में दीप मालिका प्रज्वलित कराने के लिए बुकिंग दिसंबर तक की फुल हो गई है। नवरात्रि में फिर तो कम से कम 100 से 150 बुकिंग हो चुकी है 9 दिन के दौरान, और 31 दिसंबर तक पूरी दीप मालिका फुल है। नवरात्रि के दौरान 3100 रुपये शुल्क है, क्योंकि कई लोगों की श्रद्धा और आस्था रहती है, सबके मानों का ध्यान रखते हुए सबका अवसर यहाँ प्राप्त होता है। और नवरात्रि के अलावा अन्य दिन में कम से कम 13 से 14 रुपये खर्च आता है, वो इंडिविजुअल लगती है, पर्सनल अपने अपने व्यक्ति का। दीप मालिका धार्मिक महत्व भी है, माता जी का उजाला होता है, और कोई लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि पे, शादी की सालगिरह पे, जन्मदिन वगैरह पे, और कोई मन्नत पूरी होती है उसमें आदमी लगा के जाता है। गरियाबंद में विधायक की कार्यशैली से नाराज एक ही गांव के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम पंचायत कोपरा में जो सरपंच और सचिव मिलकर जो भ्रष्टाचार किए हैं उसके मामले से लेकर अभी 15 दिन पहले हम लोग चक्का जाम किए थे गांव में, और अभी तक सचिव के ऊपर प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, मगर सरपंच ऊपर कोई प्रकार के ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, और मैं भी जिला का महामंत्री हूँ कांग्रेस पार्टी से, तो हम लोग सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विधायक जी है कहीं ना कहीं गाँव तरफ सहयोग न देकर व्यक्ति का सहयोग कर रहा है। लगभग हमारे साथ 200 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं हम लोग। बस्तर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने के विरोध में करीब 300 आदिवासी बस्तर से पैदल चलकर रायपुर पहुंचे। इन सभी की मांग है कि सरकार ग्राम पंचायत बनाने का फैसला वापस ले। हम बस्तर से आए हैं, नगर पंचायत छोटा की ग्राम पंचायत जी। जब से नगर पंचायत बना है ना, तब से हमारे आदिवासियों का 98% उनको मूलभूत सुविधा मिलता था, उनसे न वंचित, जैसे कि रोजगार गारंटी नहीं मिल पा रहा है। और जब भी नगर पंचायत में जो अभी काम चल रहा है ना, वो बाहरी के पूंजीवाद लोग आके सब ले रहे हैं। रांची रोड स्थित देवी के बाग में नवदुर्गा पर होती है विशेष पूजा अर्चना। लगभग 300 साल पुराना है मंदिर का इतिहास। नाना साहब पेशवा के समय स्थापित हुआ था यह मंदिर। इतिहास पर अध्ययन कर रहा हूँ, विभिन्न विषयों पर, पुरातत्व इतिहास और विंध्य नगर के मंदिर विभाग, इन सब पर मैं इकट्ठा पढ़ता रहता हूँ। आज देवी के बाग के नाम से जो दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ वैसे तो 12 महीना श्रद्धालुओं की, भक्तजनों की का आवागमन लगा रहता है, पर इन 9 दिनों में विशेष रूप से बहुत भीड़ मंदिर में देखने को मिलती है। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 किलो गांजा भी बरामद किया। देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास में गांजा मिला है। नजदीक से सूचना मिली थी कि बस में बस्तर तरफ से लेके आ रहे थे 10 किलो गांजा, और यूपी वगैरह कहीं लेके जाने वाले थे। पुलिस के द्वारा दबी गई तो 10 किलोग्राम गांजा मिला है बस में, ये लोग लेके जा रहे थे बिक्री करने के लिए, और इसमें जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, NDPS की कार्रवाई की। पंडरी ओवर ब्रिज के पास युवक पर जानलेवा हमला, 5 फॉर्च्यूनर कार सवार बदमाशों ने किया हमला। जी यार, पंडरी से अपने घर की ओर आ रहा था, तो उतने में असामाजिक तत्वों के लोग एक फॉर्च्यूनर कार में बैठे हुए थे। उन लोगों ने मेरा पीछा किया और मुझे हॉर्न दिए रहे थे, बार बार सायरन बजा रहे थे। मैंने उनको रास्ता दे रहा था पर वो नहीं जा रहे थे मेरे पीछे। फिर जैसे थोड़ा दूर वो जाके रुके और मुझे गाली गलौज दिया और मुझे गाड़ी से निकलने की धमकी दे रहे थे, गाड़ी से निकलने की। मैं नहीं निकला तो उन्होंने तोड़फोड़ किया डंडे से, दो उनके जो गार्ड लोग थे उन्होंने उतर के पूरा मेरे गाड़ी को तोड़फोड़ दिया, पूरा कांच तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। और मैं अपने घर की ओर आ रहा था, और पुलिस भी ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन के निर्देश अनुसार श्रद्धालुओं को पूजा के लिए मेज 200 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस बार भी कोलकाता के सुप्रसिद्ध पंडित के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। कोरिया जिले में नवरात्रि की धूम, जगह जगह माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का भी रखा जा रहा है ख्याल। हमारे पंडाल में जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उसके लिए अपन ने सेटेलाइट टनल बनाई है, और उसके अलावा अलग से अपन ने
थर्मल स्क्रीनिंग की और सैनिटाइज से हाथ धोने की पूरी व्यवस्था की हुई है, और उसके अलावा जो भी शासन की कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी हुई है उसको स्वतः रेलिंग के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में 100% उसका पालन किया जा रहा है।